हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार से जुड़ी हर खबर। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब आएगा बहुत ही बड़े वाला ट्विस्ट, जहाँ पर अब आपको ये देखने को मिलेगा कि अब शो में बहुत बड़े राज का खुलासा करती हुई नजर आएगी ईशा। जी हाँ, ईशा बताने वाली है बहुत बड़ा राज, और सई और विराट की तस्वीर दिखाने वाली है पूरे भोसले इंस्टीट्यूट में, जिसके बाद भोसले के उड़ने वाले हैं होश। क्या कुछ होने वाला है, हम आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब आप सभी को ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर ईशा खोलेगी बहुत बड़ा राज। ईशा भोसले इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी है, और भोसले इंस्टीट्यूट में पहुंच कर अब यहां पर ईशा दिखाने वाली है सई और विराट की तस्वीर, जिसको देखकर सब हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्यों लेकर आई है ईशा सई और विराट की तस्वीर को। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे ही तो है सबसे बड़ा राज। जी हाँ, आपको बता दें कि अब यहाँ पर ये राज खुलने वाला है कि भोसले इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत हुई थी, जो कि ईशान के दादाजी ने की थी, वो एक्चुअल में सई और विराट के पैसों से हुई थी। जी हाँ, ईशान के दादाजी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, और सई और विराट ने उस समय उनकी मदद की थी, क्योंकि उनका जो सपना था वो अच्छा था, नेक था। वो चाहते थे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, और उस समय उनकी दिल की इच्छा यही थी कि यहाँ पर वो बच्चे भी पढ़ सकें जो कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसे में यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि ईशा ये प्रूफ कर देगी सभी स्टूडेंट्स के सामने कि ईशान से ज्यादा अधिकार हक कहीं ना कहीं भोसले इंस्टीट्यूट में है, किसी और का नहीं बल्कि सभी का। और ये देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, सबको ये लगने वाला है कि ईशा भोसले की बैंड बजाने के लिए आई है, लेकिन असल में तो यहाँ पर ईशा सबको ये बताने के लिए आई है कि जिस सभी को तुम गरीब गुरुबा समझ रहे हो, वो असल में गरीब नहीं बल्कि वो तो असली भोसले इंस्टीट्यूट की मालकिन है। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।